बुलंदशहर के खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र में एक अधिवक्ता के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने से हड़कंप मच गया। खुर्जा निवासी 37 वर्षीय अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी हर रात की तरह कल रात 8 बजे घर से निकले थे, मगर वो रात को घर वापस नहीं लौटे। सुबह परिजन और पुलिस की तलाश के दौरान अधिवक्ता की बाइक खबरा गांव के जंगलों में पड़ी मिली। अधिवक्ता की बाइक मिलने के बाद जहां परिजनों में कोहराम मच गया, तो वहीं इस घटना से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। घटना के बाद जहां खुर्जा पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई, तो वहीं सूचना के बाद बुलंदशहर एसएसपी ने खुद मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। इस दौरान डॉग स्क्वाड टीम को भी मौके पर बुलाया गया, मगर फिर भी अभी तक एक लापता अधिवक्ता का कोई सुराग नहीं मिल सका। पूरा मामला कुछ नहीं है, पर पर्स कल शाम को 7 बजे मेरी उनसे बात हुई है। रोड पर काम चल रहा था, वहाँ पे वो 7:30 बजे करीब मुझसे बोले तू गांव निकल जा, मैं विक्की भाई कहाँ जा रहा हूँ। वो उधर चले गए, मैं गांव निकल गया हूँ। फिर करीब 10:30 बजे के आसपास मेरे पास फ़ोन पहुँचा भाभी का कि भैया नंबर सोचो, अब जा रहे हैं दोनों, भैया का नंबर लग रहा है, भैया पता नहीं कहाँ है, तुम ला कर दो किसी के पास। फिर मैंने तुरंत मोबाइल उठा के चार्जिंग पे से निकाला, मैंने भैया के पास करा, पहले विक्की भैया के पास, उन्होंने भैया मेरे पास जब भी आए अभी चले गए 5 मिनट के अंदर अंदर। फिर मैंने गौतम जी पे करा, फिर एक महेश शर्मा जी उन पर करा, मैंने जिन जहाँ जहाँ भैया संपर्क में सब पे कराया फोन मैंने, और जितनी मुझ पर तलाश हुई है मेरे और भाई सब मेरे साथ में से सब घूम फूरे नाले वाले सब में घूमा लेके उन्हें, जब कहीं ना मिले हम फिर कोतवाली में यहाँ पे आए। फिर हमें कोतवाल साहब बेचारे बैठे थे अपने ऑफिस में अंदर, उन्होंने तुरंत अपनी वर्दी पहनी है, वर्दी पहन के साथ गए हमारे सी ओ साहब को बुलाया उन्होंने तुरंत, और जहाँ जहाँ भी 4 बजे तक उन्होंने प्रयास पूरा करा हमारे साथ में घूमने का, जहाँ जहाँ जाना था जहाँ जहाँ करने का। हम फिर सबले भाई गांव से इकट्ठे हुए, भैया प्लॉट हमारा गंदे नाले पे है इधर किले की साइड में, और बाइक मिली है खबरा खान वाले रोड पर। आपके परिवार की किसी से कोई रंजिश से कुछ नहीं था? हमारे परिवार में किसी से कोई नहीं, हम तो सुबह को आते शाम को अपने घर जाते, भैया यहीं रहते हैं परमानेंट। अधिवक्ता के परिजन पीड़ित के अपहरण किए जाने की आशंका जता रहे हैं। देखिए, बीती रात लगभग 10:45 बजे के आसपास थाने पे एक सूचना आई थी कि धर्मेंद्र चौधरी जो पेशे से अधिवक्ता थे तथा जमीन का काम करते थे, अपने कुछ सहयोगियों के साथ उनका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है, घर नहीं पहुंचे हैं। तो तत्काल पुलिस सक्रिय हो गई और स्थानीय लोगों के सहयोग से, उनके परिवारजनों के सहयोग से, जहाँ से निकले थे वहाँ से लेकर सभी संभावित स्थानों पर रात भर कामबिंग की गई, तलाश की गई, और आज सुबह उसी क्रम में जो है उनकी मोटरसाइकिल लगभग 5-7 किलोमीटर दूर तो उसी थाना क्षेत्र में मिली है, और जहाँ पे मिली है वहाँ से हम लोगों ने डॉग स्क्वाड की मदद से उनके कपड़े जो घर पे थे उसको संभाल करके जब आगे तलाशने का प्रयास किया तो एक बहुत घना जंगल है जिसके चारों तरफ गन्ने के खेत हैं, इस दिशा में डॉग आया है। हम अभी भी लगभग उसी इलाके में हैं और हम सबको आशंका है कि इसी इलाके में कहीं ना कहीं उनकी किसी भी परिस्थिति में उन्हें होना चाहिए, और लगातार प्रयास जारी है। इस संबंध में अभियोग 364 IPC का दर्ज कर लिया गया है, और अन्य तकनीकी तरीके से भी तथा जो भी संभावित मार्ग हो सकते हैं उन सब पे हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, और जनता का अच्छा सहयोग मिल रहा है। करीब 150 की संख्या में स्थानीय लोग और खुर्जा नगर से भी काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, उनकी मदद से हम लोग इस जंगली इलाके में कामबिंग करा रहे हैं। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शमसुद्दीन सैफी, Time24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।